Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. वफाकी सरकार तरफा बेटन ते वालार लाए अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस जारी करने बाद सिंध ए बलूचिस्तान जी सामुंडी पट्टी मां कुदरती वसीला हासिल करने लाए बिरथा तैयार करने जो इंकशाफ अथॉरिटी या वजारत ठाण जी तजवीज़। वफाकी हुकूमत सामुंडी पट्टी बाबत खाको तैयार करे छो, अमल दरामद लाए कानून साजी ए निगरानी जो निज़ाम जोड़ बाबत तजवीज़ों शामिल। रिथाबंदी वजारत की सिफारिशन में है सामुंडी पट्टी सा मौजूद कुदरती वसीलन तेल गैस मिनरल्स हाइड्रोकार्बन सूदो माहिगीरी तफरी सयाहत जहा मौकिया मौजूद हैं जिनके मुल्की खुशहाली ला इस्तेमाल किया वे। सामुंडी कारोबार के ऐसा ला सिंगल अथॉरिटी होजन घुर्ज जेका पॉलिसीज हिकमत अमली गाइडलाइंस ए रेगुलेशन ठाए तजवीज़न मौजब कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी तफसीली प्लान जोड़ी ए मजमुई रिथाबंदी वफाकी सरकार की जिम्मेवारी होंगी। सिंध जहा बेट मकामी मान की मिल्कियत बेटन से वफाकी वालार के बर्दाश्त न किया वो। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में डिंगी ए मुंडार बेटन लाए आइलैंड अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस जारी थे खिलाफ़ मुजाहरा जारी। तंगवाणी फैजगंज बेन शहर में बेटन से वफाकी वालार खिलाफ़ धरना अगवाणन बेटन से कब्जे खिलाफ़ जिदोजहद जारी रखने जो अज़्म अर्जाईंदे है तो सिंध कॉलोनी ना है जो उन वसीलन से कब्जो किया वे। हर सिंधी आखिरी फसाह तई पैंजी धरती जो तहफ्फुज़ कंदो। सिंध हुकूमत मुजरमानी खामोशी इख्तियार करण बदरा बेटन ते वफाकी वालारी रोकण लाए किरदार अदा करे। मुजाहिरीन तरफा सिंध असेंबली जरिए अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के रद्द करण जो मुतालबो। पार्क लेन ठठो वाटर सप्लाई स्कीम रेफरेंस में अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी सूदो बेन जवाबदारन ते परदे जुर्म लागू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुधड़ी दौरान जवाबदारन तरफा डोह मंजन का इनकार। अदालत पार्क लेन रेफरेंस में 20 अक्टूबर ठठो वाटर सप्लाई स्कीम रेफरेंस में 21 अक्टूबर से शाहिदन के तलब कर वरतो। नैब के शाहिदन की पेशी यकीनी बढ़ाने की हिदायत। बुधड़ी दौरान आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर पीपी अगवाण भी पौता। अदालत बाहर सिक्योरिटी जहा गैर मामूली इंतजाम। ख्वाजा आसिफ कें चुर्च से बयान दिनों होंदो। सनस बयान जो मकसद ऑपोजिशन के विरहण है। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी जो नवाज लीग अगवाण ख्वाजा आसिफ के बयान से रद अमल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत बाहर मीडिया से गलाइंदे आसिफ जरदारी ऑपोजिशन में होंदा तो अड़े किस्म जहा केस ठहंदा रहंदा है। ये केसिस असा डिसी चुका हूं। पीटीआई हुकूमत के मुद्दे से पुछल सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी असा अन्या हाँ बिस्मिल्लाह कई है। जेल में सूर रहे थो नैब वारा टेबल बदरा जमीन ते खादो डींदा हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तरफा लाहौर जी एहतसाब अदालत में नैब जे रवैये खिलाफ शिकायत। बुधड़ी दौरान शहबाज शरीफ जो चवण हो तो इमरान खान ए शहजाद अकबर जी चुर्च ते अड़ो रवैयो रखियो वने थो। मुखे कुछ भी थियो तो इमरान खान ए शहजाद अकबर खिलाफ केस दाखिल कराइंदुस। एहतसाब अदालत शहबाज शरीफ की शिकायत से नैब मथा कावड़ जो इजहार कंदे चयो तो इंसानियत की तजलील बर्दाश्त न कई वेंदी। अगते शहबाज शरीफ शिकायत कई तो नैब खिलाफ़ नोटिस वरतो वेंदो। नैब मलीर के बिन अगूणन म्यूनसिपल कमिश्नर्स के हिरासत में वटी छो। जरियन जो चवण है कराची के क्लिफ्टन वे इलाके में कार्रवाई दौरान बल्दियाती खाते के बिन ऑफिसर्स रहमतुल्ला शेख ए मंजूर अब्बासी के गिरफ्तार किया वो है। जवाबदारन ते मलीर जिले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करोड़े रुपये की मुबैना घोबिन जिले बिल्स जरिए फर्जी कंपनीज के अदायगी करण जो इल्ज़ाम है। नैब जरियन जो चवण है रहमतुल्ला शेख सूबाई वजीर सईद गनी ए नासिर शाह जो फोकल पर्सन भी रही चुको है। वडे वजीर कुछ अरसों अग खेस हटाए छो हो। मंजूर अब्बासी उन अग भी एक केस में नैब आडो रजाकाराने तौर रकम वापस कराए चुको है। सनस खिलाफ आमदनी का असासन की जाँच जारी।
मुल्क में कोरोना वायरस से वधिक चार मरीज फौत थी वया। पाकिस्तान में कोरोना विघे फौतिन जो अंग 6517 थी वयो। एनसीओसी जो चवणा है त गुजरल 24 कलाकन दौरान मुल्क में 644 नवा केस जाहिर थियण बाद मुतासरन जो अंग 3,15,260 थी वयो आहे। मुल्क में एक्टिव केसिस जो इन वक्त आदाद 8,907 आहे। सेखाट थाने की हद में गोठ में नींगरी सा मुबैना जिन्सी ज्याती के केस में गिरफ्तार जवाबदार की डीएनए टेस्ट कराने जो फैसलो। पुलिस जो चवण है त जवाबदार अब्दुल रजाक मल्हा की हैदराबाद की लेबॉरटरी में टेस्ट कराई वेंदी। गोठ जुमन शाह में 11 वरन की नींगरी सा ज्याती जो केस दाखिल थियण बाद जवाबदार अब्दुल रजाक मल्हा के गिरफ्तार किया वो। अस्सलाम वालेकुम, टाइम न्यूज़ सगत माया हमीर शेख हेडलाइंस हवाली थूँ तफसीली खबरों ब्रेक खाऊँ।